बीजेपी सांसद कमलजीत सहरावत जी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। मैडम, जिस तरह से दिल्ली में बारिश को लेकर अलर्ट है, बारिश हो रही है और उसके बाद लंबे लंबे ट्रैफिक जाम दिखाई पड़ रहे हैं सड़कों पर, जल जमाव वाली स्थितियां भी सड़कों पर नजर आ रही हैं, आपको क्या लगता है कौन है इसके पीछे, ये इसके लिए जिम्मेदार कौन है? दिल्ली में पहले घंटों बारिश होती थी तब जल भराव की स्थिति होती थी, लेकिन आज मिनटों की बारिश में दिल्ली में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो जाते हैं। सड़कों पर पानी कई कई फीट इकट्ठा हो जाता है और ट्रैफिक जाम हो जाता है। ट्रैफिक जाम में दिल्ली में जो ड्रेनेज सिस्टम की समस्या है, पानी का निकास नहीं है, दूसरा जो सड़कों के अंदर गड्ढे हैं वो बहुत बड़े जिम्मेवारी है, क्योंकि जब सड़कों के अंदर गड्ढे हैं तो गाड़ियां डेड स्लो हो जाती हैं, ट्रैफिक के साथ साथ में जो मोटरसाइकिल वाले हैं और जो बाकी लोग हैं उनको चोटें भी बहुत लगती हैं। तो जल भराव की स्थिति पे आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार और निगम की सरकार दोनों आंख मूंद कर बैठी हुई हैं, क्योंकि लगातार मेयर के कहने के बावजूद कि इस बार नहीं होगा, हर बार स्थिति बद से बदतर हो रही है। तो येलो अलर्ट दिल्ली के लिए एक ऐसी परेशानी बन रही है जिसमें राजेंद्र नगर जैसी घटनाएं हैं जो 3 युवाओं की जान ले ली और करंट लगने से भी तकरीबन 7-8 लोगों की, बच्चों की मृत्यु हुई है। तो अब जल भराव की समस्या जानलेवा भी दिल्ली में बनती जा रही है और आम आदमी पार्टी निगम में और दिल्ली सरकार में आंख बंद करके अपनी मस्ती में मस्त है। दिल्ली सरकार में मंत्री हैं गोपाल राय, उनका कहना है कि 15 साल में अगर उन्होंने, यानी कि आपकी ओर इशारा किया है, उनका कहना है कि अगर उन्होंने कुछ काम किया होता तो दिल्ली की जो ये बदहाल स्थिति है ये ना हुई होती। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी सवाल खड़ा किया है कि दिल्ली सरकार की तस्वीर जो है बदली है, ये उनकी कारण बदली है और आज कूड़े के पहाड़ को भी उन लोगों ने 2 साल में आधा कर दिया। दिल्ली में जब 15 साल नगर निगम में भाजपा की सरकार थी, कुछ देर के लिए जल भराव होता था, लेकिन क्योंकि डीशिल्टिंग टाइम पे होती थी, ड्रेनेज को क्लीन रखा जाता था, मेयर के नाते मैं खुद रही हूँ, टाइम से हम एक्शन लेते थे, प्लानिंग करते थे, SOP पे इम्प्लीमेंटेशन होता था, तो पानी आता जरूर था लेकिन निकल जाता था, इतनी बुरी हालात नहीं थे। रही बात कूड़े की, पहले दिल्ली में 3 जगह कूड़े का ढेर था, आज हर गली में बना हुआ है, जिस गली में आप जाएंगे वहाँ पर कूड़े के ढेर लगे हुए हैं और उनके ऊपर मक्खियाँ, और हालात इतने हैं कि अगर दिल्ली में कोई महामारी फैल जाए तो उसे कोई बड़ी बात नहीं होगी। जो हालात कूड़े के हैं, गंदगी के हैं, पूरी गलियों को, पूरे मोहल्लों को उन्होंने कूड़ा घर में तब्दील कर दिया है। 2 दिन पहले मैम कुछ आम आदमी पार्टी के जो पार्षद थे वो BJP में शामिल हुए थे, उन्हीं में से एक रामचंद्र जी आज फिर से वापस आम आदमी पार्टी में चले गए, मनीष सिसोदिया ने उनका हार्दिक स्वागत किया और गोपाल राय ने साफ तौर से BJP की ओर आरोप लगाया कि यही कहा कि भाजपा का जो ऑपरेशन लोटस मिशन है उसका हम मजबूती से विरोध कर रहे हैं और हम लगातार लड़ते रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी का ऑपरेशन लोटस किसी की दया दृष्टि पर नहीं है, जनता जनार्दन के समर्थन से है। आज भारत में तीसरी बार प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, भारतीय जनता पार्टी की NDA के साथ मिलकर सरकार बनी है, तो ये ऑपरेशन लोटस जनता ने खिलाया है, आपकी इसमें कोई भूमिका नहीं है। और रही बात आना और जाना, तो वो अपनी इच्छा से आए थे, उन्हें घुटन महसूस हो रही थी, लेकिन उनके जो भी मजबूरियां रही होंगी, इन लोगों ने उन्हें क्या कहा है वो तो ये जाने, लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा दल है जिसका लोटस अपने दम पर खिल रहा है, उसे किसी और की आवश्यकता नहीं है। मैडम आखिरी सवाल, आप सांसद बनने से पहले पार्षद भी रह चुकी हैं, आप भली बात समझती हैं कि किस तरह से स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव होता है, उसके चुनाव की तारीखों का ऐलान भी हो चुका है, पार्षद को शामिल हुए BJP का जो हौसला है वो मजबूत हुआ था, अब जब जिस तरह से चुनाव की तारीख आने वाली सितंबर में ही है, तो क्या पार्षद के, क्या आम आदमी पार्टी में वापस जाने से क्या उसको थोड़ा झटका लगेगा? जिस दिन दिसंबर 2022 में जनता जनार्दन ने दिल्ली नगर निगम के लिए अपना वोट देकर रिजल्ट दिया था, उसी दिन यह तय था कि दिल्ली में स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन भारतीय जनता पार्टी का बनेगा, तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। भारतीय जनता पार्टी का जो बहुमत है वो आज भी निगम के अंदर है, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं होता है मेयर की तरह, यहाँ पर प्रोपोर्शनेट वोटिंग होती है स्टैंडिंग कमेटी के लिए, और प्रोपोर्शनेट वोटिंग में भारतीय जनता पार्टी जीत कर आई है, और अब आगे भी जब जोन की बात होगी तो भारतीय जनता पार्टी के पास बहुमत है, तो स्टैंडिंग कमेटी उस दिन भी भारतीय जनता पार्टी की बन रही थी, आज ही भारतीय जनता पार्टी की बन रही है। ये तो इन्होंने नियम का मजाक उड़ा रखा है, जो तीसरा साल जिसमें कि अनुसूचित जाति के लिए मेयर का पद रिजर्व है, फिर भी इन्होंने शैली ओबराई जी को, कानूनों को धता बना के आज भी इन्होंने मेयर बना रखा है, तो ये कानून का उल्लंघन है और कहीं ना कहीं अनुसूचित जाति के जो हमारे साथी हैं उनके अधिकारों का अतिक्रमण है।
बात करने के लिए। तो कमल जी सराव बीजेपी सांसद जिन्होंने एबीपी न्यूज़ से कई सवालों को लेकर बातचीत की और उसका जवाब भी दिया, और साफ तौर से जिस तरह से दिल्ली में पानी की समस्या लगातार बनी हुई है, बारिश के बाद जो सड़कें हैं वो झील या फिर तालाब जैसी स्थिति में बदल जाती हैं, उसको लेकर आम आदमी पार्टी के ऊपर उन्होंने करारा हमला भी बोला। कैमरामैन सुनील कुमार के साथ दिव्यांकर तिवारी, एबीपी न्यूज़ दिल्ली।